दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देखें कि 23 अक्टूबर 2023 को चैनल स्टार्ट किया और चैनल पर सिर्फ 4 महीने में 79 मिलियन व्यूज गेन किए और इन्हीं व्यूज से इनके चैनल पर 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हुए। लेकिन ये 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके बेकार हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये प्रूफ आपको दिखाता हूं कि ये देखें, ये प्रूफ आपके सामने है कि इस चैनल की मोनेटाइजेशन यूट्यूब के सिस्टम ने एनेबल नहीं की और यहां पर इनके चैनल के ऊपर एक प्रॉब्लम आ चुकी है जिसे कहते हैं रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम। यूट्यूब पर शॉर्ट्स वायरल करना कोई बड़ी बात नहीं है, शॉर्ट्स आपकी वायरल हो सकती हैं, लेकिन चैनल को मोनेटाइज करना भी बहुत जरूरी है कि आप यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो करके अपने चैनल पर कंटेंट अपलोड करें, तब यूट्यूब का सिस्टम आपके चैनल को मोनेटाइज कर सकता है। अब यहां पर आपको यह प्रूफ दिखाता हूं कि ये देखें कि इनके चैनल के ऊपर इन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर वॉइस ओवर भी किया है। अभी यहां पर वॉइस ओवर प्ले नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ सिंपली आपके सामने एक वीडियो प्ले करता हूं। फैक्ट टाइप की इन्होंने वीडियोस बनाई हैं। यहां पर देखेंगे इस तरह की वीडियोस के ऊपर इनका अपना वॉइस ओवर है, लेकिन फिर भी इनके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम क्यों आई है। अगर आपका एक शॉर्ट्स का चैनल है और फैक्ट का चैनल है या किसी भी कंटेंट पर आप वॉइस ओवर करते हैं लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो उसकी रीजन आपको बताऊंगा। और अगर वर्क करके यूट्यूब से कुछ अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो का कोई पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका चैनल ही मोनेटाइज नहीं होगा तो यूट्यूब के सिस्टम पर आप अर्निंग नहीं कर सकते। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहीं से वो मेथड स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं कि इनकी पॉपुलर वीडियोस देखिएगा, इनके चैनल के ऊपर जो ये अपलोड करते हैं, 30 मिलियन, 17 मिलियन, 13 मिलियन, 9.1 मिलियन, 5.6 मिलियन, 1.9 मिलियन, ऑलमोस्ट इनके फैक्ट की वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज आना स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी हर शॉर्ट वीडियो यहां पर वायरल होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि ये 2.1 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स हैं ये वेस्ट क्यों हुए, किस वजह से इनके चैनल के ऊपर YouTube के सिस्टम ने मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं की, यहां पर वो आपको रीजन दिखाऊंगा। यहां पर इनकी लेटेस्ट वीडियोस के ऊपर जाकर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं और इनकी जो अर्लियर वीडियोस इन्होंने स्टार्टिंग में अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी वो वीडियोस देखिएगा। यहां पर देखें कि इनकी अगर आप कंटेंट आप देखेंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर इनकी जो ओल्डेस्ट जो पुरानी वीडियोस थी जो इन्होंने सबसे पहले अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी, इस पर इनकी कोई क्रिएशन नहीं थी, इनकी वैल्यू एड नहीं थी, इस पर वॉइस ओवर नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी दूसरे का कंटेंट लगाएं या अपना कंटेंट लगाएं तो उसमें कोशिश करें कि वॉइस ओवर ऐड करें, ताकि यूट्यूब का सिस्टम इसको जान सके कि ये एक ह्यूमन बीइंग कंटेंट है जिसमें ह्यूमन बीइंग इंसानों की वॉइस है, तब जाकर यूट्यूब का सिस्टम आपके चैनल को ओरिजिनल कंसीडर करता है और आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन एनेबल कर देता है। अब यहां पर आपको इसको सॉल्व करने का मेथड बताता हूं कि अगर आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहला मेथड तो ये, यूट्यूब का सिस्टम आपको एक ऑप्शन देता है कि चैनल को एडिट या कोई भी वीडियो डिलीट किए बिना आपने एक अपील वीडियो बनानी है। सबसे पहला ऑप्शन तो इन्होंने वेस्ट कर दिया है कि इन्होंने अपने चैनल से वीडियोस डिलीट कर दिए। अब दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि इनके चैनल के ऊपर जो इनकी पुरानी वीडियोस हैं जिसमें इनका वॉइस ओवर नहीं है, उन तमाम वीडियोस को ये डिलीट कर, जब इनके चैनल के ऊपर रीअप्लाई का ऑप्शन आएगा उस टाइम ये रीअप्लाई करेंगे, ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं और यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो मिलियन में सब्सक्राइबर्स गेन होने के बाद भी आपके चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकती है जब तक आप अपने चैनल के ऊपर वॉइस ओवर नहीं करेंगे। फैक्ट्स के चैनल क्रिएट करना चाहते हैं उस पर वॉइस ओवर करें, आपके चैनल भी जरूर मोनेटाइज होंगे। थैंक यू।